अगर कोई फिशरमैन आपके पास आए और किसी की उल्टी आपको देखकर ये कहे कि इसका वेट टोटल 5 किलो के आसपास है, आप इसको खरीद बस मुझे कुछ करोड़ रुपए दे दो, तो क्या आप करोड़ रुपए देकर उस वॉमिट को खरीदना चाहेंगे? अब आपका तो नहीं पता, लेकिन चाइनीज या फिर कोई अरब करोड़पति बंदा होता तो उसे खुशी खुशी खरीद लेता। और ये एक रियलिटी है, इसे लोग खरीदते भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पर्म व्हेल की वॉमिट की, जो कि 1 ग्राम 5 करोड़ रुपए में मिलती है। लेकिन आखिर इसकी उल्टी इतनी ज्यादा महंगी क्यों है और ये बनती कैसे है? क्या इसका बिजनेस लीगल है भी या नहीं? स्पर्म व्हेल इस दुनिया में दांतों वाला सबसे बड़ा जानवर है। कहा जाता है कि इसके सर पर एक चीज होती है जो रोगन से भरी होती है, और इसीलिए शायद इसको स्पर्म व्हेल कहा जाता है। अब भरे समंदर में व्हेल मछली की वॉमिट को तलाश करना कोई आसान काम तो है नहीं। साइंटिफिकली इस वॉमिट को एम्बर कहा जाता है, जो कि दुनिया की महंगी तरीन परफ्यूम्स की तैयारी में यूज की जाती है। एम्बर जो कि ब्लैक व्हाइट ब्राउन कलर की चर्बी से भरा हुआ एक मादा है, जो कि राउंड या ओवल शेप का होता है। स्पर्म व्हेल इस नापसंदीदा केमिकल मटेरियल को वॉमिटिंग के जरिए अपने जिस्म से निकाल बाहर कर देता है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक व्हेल इसको अपने फजले के जरिए भी बाहर निकाल देती है। साइंटिस्ट अभी तक इस बात को तो समझ ही नहीं पाए हैं कि व्हेल मछली के स्टमक में अगर एम्बर क्यों और कैसे बना। अब कुछ साइंटिस्ट का ये भी ख्याल है कि मछली के स्टमक में मोम की तरह का कुछ मटेरियल होता है जो हजम नहीं होता, और उसे उगलने का मकसद ही शायद ये होता है कि जिससे व्हेल का डाइजेस्टिव सिस्टम सही। अब एम्बर को अगर कुछ दिनों तक हवा और धूप में रखा जाए तो इससे बहुत ही ज्यादा तेज स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि लकड़ी या फूल की खुशबू की तरह होती। साइंटिस्ट के मुताबिक व्हेल की वॉमिट पानी में तैरती रहती, और ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब तैरते तैरते ये साहिल तक पहुंच जाती, और इसीलिए शायद इसको तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। व्हेल के जिस्म से निकलने वाला ये एम्बर स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा बदबूदार होता है, लेकिन जैसे ही इसको हवा लगती है ना, इसकी बदबू मीठी मीठी खुशबू में चेंज हो जाती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एम्बर खुशबू को हवा में उड़ने से भी रोकता है? इसी तरह ये स्टेबलाइजर का काम भी करता है, ताकि बू हवा में मिक्स ना हो जाए। अब क्योंकि एम्बर की वजह से इस व्हेल का बहुत ज्यादा शिकार किया जाता था, इसलिए 1970s के बाद से यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में इसके बिजनेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की रियासत गुजरात में, जहां की साहिली पट्टी 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, इसी वजह से समंदर किनारे वाले इलाके समंदरी मखलूक और इनकी बाकियात की लीगल तिजारत और सरगर्मियों में नजर आता है। एम्बर जो कि सैकड़ों और हजारों किलोमीटर का सफर करता है यहाँ तक के समंदर में आने वाला तूफान इसी साहिल की तरफ से ले जाता है। अब एम्बर जितना पुराना और बड़ा होगा उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी, और तो और कुत्ते बहुत जल्द एम्बर की खुशबू की स्मेल को पहचान लेते हैं। इसीलिए गुजरात में काफी एरियाज में एम्बर के बिजनेस के लिए ट्रेन डॉग्स को रखा जाता है, और इसीलिए गुजरात में ईस्टर्न साहिली रियासत ओडिशा और जनूनी लाला के साहिल पर कभी कभार एम्बर मिल भी जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जंगलात प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के तहत 1986 से स्पर्म व्हेल एक सिक्योर एनिमल है, और इसके किसी भी किस्म के पार्ट का बिजनेस करना इलीगल है। एम्बर सर्दियों से न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में परफ्यूम और मेडिसिंस की तैयारी में यूज की जाती है। इब्ने बतूता और मार्को पोलो, जिन्होंने बहुत से कंट्रीज का सफर किया है, उन्होंने भी अपने सफरनामों में एम्बर के जिक्र किया है। इंडिया में देसी इलाज के अलावा ग्रीक मेडिसिंस में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और तो और जड़ी बूटियों को एम्बर के साथ मिलाकर जिस्मानी और जिंसी बीमारियों के इलाज के लिए भी यूज किया जाता है, और शायद इसीलिए इसकी मांग इतनी ज्यादा है, क्योंकि दूसरी तरफ इसके आर्टिफिशियल ऑल्टरनेट एम्बर और उनकी शक्ल में भी मिलती है। इसलिए परफ्यूम की तैयारी में एम्बर का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, क्योंकि लोग नहीं जानते कि एम्बर असल में होता कैसा है, और इसी वजह से इसके नाम पर अब बहुत ज्यादा धोखा दिया जाता है। कुछ लोग तो इसके नाम पे पैराफिन मोम या कोई रोहनी दाल चीज भी भेज देते हैं, और इसके बारे में शिकायत भी नहीं होती, क्योंकि ये बिजनेस तो इलीगल है। अब अगर स्पर्म व्हेल की वॉमिट की इस इलीगल बिजनेस की बात की जाए, तो गुजरात के रिसर्चर्स का कहना है कि स्पर्म वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत एक सिक्योर जानवरों की लिस्ट में आता है। यहाँ से इनका शिकार करना या तिजारत करना एक क्राइम है। इसका लीगली बिजनेस करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। अब क्योंकि अरब कंट्रीज में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और वो लोग इसकी सबसे ज्यादा कीमत अदा करने के लिए तैयार भी हैं, तो यहाँ स्पर्म व्हेल के लिए ये खतरनाक मसला बन जाता है। अब दूसरी तरफ समंदर में फैलती हुई पोल्यूशन की वजह से स्पर्म व्हेल्स दिन ब दिन मरते जा रहे हैं, और ये इनकी नस्ल के लिए और भी ज्यादा खतरनाक मसला बनता जा रहा है। अब कहा यह जाता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से
हर साल सैकड़ों जानवर मर रहे हैं। जून में एक व्हेल थाईलैंड के साउथ में 80 प्लास्टिक बैग्स निगलने की वजह से मर गई, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ इदारों ने इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और इसके लॉ को बेहतर करने का मुतालबा किया।